तत्काल न्यूज लाइव के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन प्रेस कीजिए। अभी हम खड़े इंदौरा के आईटीआई कॉलेज में, जहां पर वंचित बहुजन आघाड़ी की तरफ से ब्लड डोनेट का कार्यक्रम किया गया है। आइए जानते हैं यहां पर उत्तर नागपुर के वंचित आघाड़ी के शहर अध्यक्ष से। आइए। ये देखिए, यहाँ पर ब्लड डोनेट का कार्यक्रम चालू है और यहाँ पर कुछ प्लाज्मा का भी मतलब कार्यक्रम होने वाला है। और ये ब्लड डोनेट जो कर रहे हैं उत्तर नागपुर के जो अध्यक्ष है माननीय प्रवीण पाटिल सर, तो इनसे हम जानते हैं कि यहाँ पर कितने लोग ब्लड डोनेट कर रहे हैं और अभी तक सुबह से कितने लोगों ने यहाँ पर ब्लड डोनेट किया है। मैं योगिता रंगारी, सब योगिता रंगारी। तो मैम, ये कार्यक्रम में यहाँ पर क्या मकसद से किया जा रहा है और यहाँ पर आपकी अनुमति से ये कार्यक्रम हो रहा है? हाँ, हमारी अनुमति से ये प्रोग्राम हो रहा है। ये ब्लड डोनेशन जो शिविर लगाए है, ये एक सामाजिक काम है और ये मेयो हॉस्पिटल में ब्लड डोनेट होने वाला है। तो ये गवर्नमेंट का काम समझो कि कुछ अच्छा काम हो रहा है। और हमारे आईटीआई में हम लोग भी हर साल ब्लड डोनेशन का कैंप लेते हैं, तो हमारे स्टूडेंट भी उसमें शामिल हो गए हैं। आपके स्टूडेंट भी यहाँ पर शामिल हैं? हाँ। तो आपके कितने स्टूडेंट यहाँ पर ब्लड डोनेट कर रहे हैं? अभी तो 4-5 बच्चे हो गए हैं, अभी और आने वाले हैं। 5 बजे तक आएंगे। ये कार्यक्रम 5 बजे तक चलेगा? हाँ, 5 बजे तक चलेगा। और मैडम, कोरोना में जो सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह मेंटेन कर रहे हैं और कोरोना के जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है उसका पालन करते हुए हम लोग ये प्रोग्राम कर रहे हैं। आइए जानते हैं जो उत्तर नागपुर के अध्यक्ष है माननीय श्री प्रवीण पाटिल साहब। तो पाटिल साहब, आप बताइए कि अभी आपने खून डोनेट किया है यहाँ पर? अभी आपने ब्लड डोनेट किया है यहाँ पर? हाँ जी भाई, जस्ट अभी जो ब्लड डोनेट किया हुआ। आपका पूरा नाम बताइए। मेरा नाम प्रवीण पाटिल, वंचित बहुजन आघाड़ी उत्तर नागपुर का मैं अध्यक्ष हूँ। और आज का जो ब्लड डोनेट का कैंप जो किया है एडवोकेट बाड़ा साहेब अम्बेडकर, इनका 67वां जन्मदिन है। अब वो जन्मदिन हम अच्छी खुशी से मनाना उचित नहीं रहेगा, इसलिए हमने फिर वो उनका बर्थडे मनाना के हम लोगों की सहायता करना चाहते हैं। और ब्लड डोनेशन करने का मेन रीज़न ये है कि अभी जो कोरोना काल में जो भी महामारी जो है, इस कोरोना काल की महामारी में लोगों को खून की बहुत ज़रूरत है। प्लस उसके अलावा थैलेसीमिया वाले पेशेंट रहते हैं, हीमोफीलिया वाले पेशेंट रहते हैं और सिकल सेल वाले पेशेंट रहते हैं, इन सबको खून की बहुत बड़ी मात्रा में इनको ज़रूरत होती है। लेकिन अभी इस पीरियड में खून रक्तदान देने वाले लोग बहुत से कम हैं, क्योंकि उनकी कुछ जटिल शर्तें भी है, उस कारण कुछ लोग मजबूरीवश आके भी वापस गए हुए हैं। लेकिन फिर भी हमने आज ये शासकीय आईटीआई कॉलेज में जो हो आज का जो रक्तदान शिविर का कार्यक्रम रखा गया है, यहाँ की प्रिंसिपल मैडम है और यहाँ का स्टाफ भी है, उन लोगों ने हमको अनुमति देके आज बहुत बड़ा हमको सहयोग दिया हुआ है। उनके बगैर आज का हमारा ये कार्यक्रम पूरा नहीं हो सकता था। हमारे इस प्रोग्राम में लोगों का बहुत अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। प्लस आईटीआई कॉलेज के भी बहुत से स्टूडेंट और उनका स्टाफ, उन्होंने भी आकर यहाँ पर सो खुशी से इस अच्छे काम में अपना योगदान दिया है। और उनके स्टूडेंट लोगों ने भी ब्लड डोनेशन में अपना हिस्सा लेके रक्तदान उन्होंने किया हुआ है। तो अंदाजन कितने लोगों की तादाद है सर यहाँ डोनेट करने वालों की? कितने लोग होंगे अंदाजन? अंदाजन हमारा जो समय है 10 बजे से लेके 5 बजे तक का जो समय है, लेकिन लोगों का जो प्रतिसाद देख के हमको तो ऐसी लग रहा है कि हमारा 100 का आंकड़ा हो जाएगा। करीबन 100 लोग तक यहाँ पर आके ब्लड डोनेशन करके जाएंगे, जो बहुत बड़ी अच्छी बात है। इससे हमको पता चलता है कि लोगों में ब्लड डोनेशन के बारे में बहुत अच्छा अवेयरनेस उनके मन में पैदा हुआ है और ये बहुत अच्छी बात है। उनके मन में जो भावना जो जागृत हुई है लोगों के मन में ब्लड डोनेशन करने की, ये बहुत अच्छी बात है। सर, सुनने में आया है कि यहाँ पर कुछ लोग प्लाज्मा भी डोनेट कर रहे हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे सर? हाँ, अभी प्लाज्मा डोनेशन करने की बात थी, लेकिन डॉक्टर साहब का कहना था कि प्लाज्मा आपको अलग से आके देना पड़ेगा। लेकिन जो कोविड के जो पेशेंट थे, पॉजिटिव पेशेंट थे, उन्होंने अपना ट्रीटमेंट करके जो क्लियर हो गए हैं, कोविड पॉजिटिव होने के बाद उन्होंने अपनी दवाई पानी करके जो क्लियर हुए हैं, वो क्लियर होने के बाद में भी उन्होंने आज यहाँ पर आके ब्लड डोनेशन दिया हुआ है। ऐसे हमारे 5-6 पदाधिकारी यहाँ पर है,
जिन्होंने अपना डोनेशन दिया हुआ है। उसके बाद में भी हमारे वो पदाधिकारी डॉक्टर साहब के कहने पे फिर से मेयो हॉस्पिटल में एक बार जाके अपना प्लाज्मा भी वहाँ पर जाके डोनेट करेंगे। प्लाज्मा के लिए कुछ मशीन लगती है ऐसा डॉक्टर साहब ने बताया, तो ये मशीन यहाँ अभी अवेलेबल नहीं है, तो मेवा में जाकर ही प्लाज्मा डोनेट करना पड़ेगा। हाँ हाँ बिल्कुल, यहाँ पर कैसी है थोड़ा सा बाकी व्यवस्था देखने के बाद कैसी है, प्लाज्मा के लिए जो एटमॉस्फेयर और जो टेम्परेचर का जो रूम जो लगता है वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं होने के कारण वो प्लाज्मा डोनेट हमारे पदाधिकारी जो है वो मेयो हॉस्पिटल में जाके प्लाज्मा डोनेट करेंगे। और आज एक एक कार्यकर्ता जो हमारा प्लाज्मा डोनेट करेगा तो एक के प्लाज्मा डोनेट से कम दो लोगों की जान बचेंगी। और आज 100 लोगों का यहाँ पे हमारा टारगेट लिए कि 100 लोग यहाँ पे आके जो ब्लड डोनेट करेंगे, तो समझ के चलो कि आज की इस दिन के उपलक्ष में हम 100 लोगों को उनकी जान बचाने के लिए हम कोऑपरेट कर रहे हैं, हम उनको मदद कर रहे हैं। ये हमारे कार्यकर्ताओं का बहुत बड़ा और अच्छा उपक्रम है। जो कोरोना पॉजिटिव है, जो जिनकी डेथ हो जाती है, तो उनकी बॉडी कोई लेना नहीं चाहता है, कोई हाथ लगाना नहीं चाहता, तो ऐसे लोगों के लिए भी आपने प्रशासन को कुछ लेटर दिया, तो प्रशासन ने इस बारे में आपसे मतलब क्या रिप्लाई दिया था? देखिए, समाज सेवा करने का हमारे सबसे बड़े हमारे आदर्श है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, और उनके पपोत्र है एडवोकेट बाड़ा साहब अम्बेडकर जिनका जन्मदिन है। उनका हमें निर्देश है कि हम भलाई एक टाइम भूखा रहेंगे चलेंगे, लेकिन हमने समाज सेवा हमने छोड़ना नहीं चाहिए। हम जब समाज सेवा करेंगे तब हमारा जीवन ये सफल होगा। इस उद्देश्य को ध्यान में रख के इस कोरोना काल के पीरियड में बहुत से लोग ऐसी है कि जिनका कोई रिश्तेदार नहीं है, और जो लावारिस जो मरे पड़े जो थे अभी कोरोना काल में, उन लोगों की हॉस्पिटल से उनकी अर्थियाँ लेके लाके हमने शमशान घाट तक के लाके हमने उनका उनके पद्धत से उनके तरीके से उनके धार्मिक रीति रिवाज से हमने उनका अंतिम संस्कार भी किया हुआ है। लेकिन कैसी है ये हमारा मतलब कोई हमको गवर्नमेंट का कोई सपोर्ट ही नहीं था, इस कारण हमने NMC के हेल्थ डिपार्टमेंट के वरिष्ठ जो डॉक्टर जो है निमजे उनको हमने लेटर दिया हुआ कि साहब आप हमें गवर्नमेंट की तरफ से आप हमें लीगल अनुमति दो ताकि हम पूरे नागपुर शहर में वंचित बहुजन आघाड़ी की तरफ से बाड़ा साहब अम्बेडकर इनके आदेश से पूरे नागपुर शहर में हम कोरोना काल के पीरियड में जिनकी भी मौत हो रही है और उनकी मौत का जो अस्थि का जो कार्यक्रम है उनके परिवार वाले उनको हाथ लगाने के लिए भी तैयार नहीं है, उन लोगों को हम वंचित बहुजन आघाड़ी के सब कार्यकर्ता लोग हम सपोर्ट करेंगे और उनकी अस्थि विसर्जन का उनका पूरा काम हम करेंगे। हमको सिर्फ सरकार के तरफ से उसकी बस हमको अनुमति चाहिए, इसलिए हमने लेटर दिया हुआ है। सर आप ये बताइए कि आपने जो सामने अंतिम संस्कार के लिए जो प्रशासन को लेटर लिखा है, अनुमति मांगा है, तो आप सारे रिलीजन ने जो जितने भी कास्ट के लोग हैं तो उन सबका ही मतलब अंतिम संस्कार करेंगे? साहब हम भी इंसानियत है और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और बाड़ा साहब अम्बेडकर इनके विचारों से समाज सेवा में हम लोग प्रेरित है। हमें जात पात धर्म इनसे कोई मतलब नहीं है, आखिर वो भी इंसान है और हम भी इंसान हैं, और इंसान होने के कारण मानवता की सेवा करना ये हमारा परम कर्तव्य है जिसके लिए हम 24 तास हम तैयार हैं। हमें कोई जात पात धर्म इन सब बातों का हमको कोई लेना देना नहीं है, बस वो भी इंसान है हम भी इंसान है, इस मानवता को देख के हम मदद का काम कर रहे हैं। धन्यवाद सर। आइए आप जानते हैं जो मेवा हॉस्पिटल के डॉक्टर वसीम साहब है, तो इनसे हम जानते हैं कि अभी पेंडेमिक का माहौल है, महामारी का माहौल है, और बहुत से लोग मतलब डर के मारे मतलब हॉस्पिटल नहीं जाते, बीमारी को छुपाते हैं सर, और बीमारी को छुपाने के कारण जब बहुत ज़्यादा मतलब क्रिटिकल पेशेंट हो जाता है उसके बाद में हॉस्पिटल लेके आते हैं, हॉस्पिटल लेके जाने के लिए पेशेंट इतना क्रिटिकल होता है कि डॉक्टर के बस की बात नहीं होती है, तो फिर क्या होता है कि लोग डॉक्टर पर ब्लेम करते हैं कि डॉक्टर ने बचाया नहीं, हमारा पेशेंट मर गया है। तो सर ऐसे लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, यानी आप लोगों को ये बताइए कि आप इस माहौल से डरिए नहीं लड़िए, ये लड़ने का समय है, इस महामारी से डरने का समय नहीं है। तो डॉक्टर वसीम साहब आप बताइए कि आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे इस बारे में? मेरा तो पहला मैसेज यही है कि पहले जो अपने दिल में जो कोरोना का डर है उसे निकालिए, और अभी जो आज की डेट में अगर फीवर भी अगर आ रहा है आपको, क्योंकि जनरली कोरोना इतना स्प्रेड हो चुका है अभी नागपुर में, अगर आपको फीवर आता है तो आप उसे कोरोना समझ के ही ट्रीट करिए और तुरंत अपना टेस्ट कराइए और घर वालों से अपने आप को दूर कीजिए, क्योंकि अगर कैसा अगर आप घर वालों के साथ रहे फीवर आने के बाद भी तो वो लोग भी आपके साथ इन्वॉल्व हो जाएंगे और पेशेंट का लोड भी बढ़ेगा और आपको खुद को भी बहुत ज़्यादा तकलीफ हो जाएगी। मैं तो उनसे पहले हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूँगा कि आप पहले आप लोगों के बारे में सोचिए, क्योंकि आपके अगर एक ऐसा करने से सर जी कैसा है कि एक अगर पेशेंट का इन्फेक्ट हुआ तो कम से कम ऐसे सुपर स्प्रेडर
एक पेशेंट 20 लोगों को कोरोना देता है, और उसके अंदर से अगर कोई ऐसा अगर व्यक्ति अगर कॉन्टेक्ट में आ गया जिसका इम्यूनिटी कम है तो उसके अंदर ये सीरियस भी हो सकता है।